हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोगों को 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके साथ में फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज जो आप लोगों का सिलेबस है उस पर डिस्कस करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और एक चीज बताना चाहेंगे कि आप लोगों का जो ये सेमेस्टर हो जाता है सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे, फ्री क्लासेस प्रोवाइड होंगे। इसके लिए आप लोगों को एक रुपया भी पे नहीं करना रहेगा। और जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो किस चीज पर डिस्कस करेंगे, तो आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने कितने नंबर के होते हैं, कौन से आपको नए सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उन सब चीजों पर डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग सेकंड क्लास में देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, इस पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और हर एक चीज को आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके अभी एग्जाम हुए हैं, यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के अभी एग्जाम हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी रिजल्ट आ गया, अब आप लोग ये सोचो अरे जब रिजल्ट आएगा तब पढ़ लेंगे, अभी क्या, अभी तो बहुत टाइम है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि ये टाइम कैसे निकलता चला जाता है पता भी नहीं चलता। आपके न्यू सब्जेक्ट होते हैं उसमें फिर आपको बहुत दिक्कतें होती हैं, और आपके जो सब्जेक्ट हो जाते हैं उसमें भी आपको दिक्कतें होती हैं कि मैम मैथ कैसे पढ़े, मैम इंग्लिश कैसे पढ़े। आपको कि मैम इंग्लिश अभी तो हम संस्कृत और उर्दू पढ़ रहे थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट था, मन करे हमारा मन किया तो भाई किसी का मन किया तो उसने उर्दू ली, किसी का मन किया उसने संस्कृत ली। तो इन्हीं जो आपके ये सब डाउट्स है इन्हीं पर तो आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो आप लोग देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट हो जाता है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं, और कितने नंबर का है उस पे भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं ये 50 नंबर का होता है। इसमें आपको कम से कम कितने नंबर लाने रहते हैं, 25 नंबर आपको लाने ही लाने रहते हैं। अगर आप 25 नंबर ले आते हैं तब तो आप सेफ जोन में हैं। अगर बाय द वे 25 नंबर आप नहीं ला पाते हैं किसी वजह से, तो आप सेफ जोन में नहीं है, आपको फिर से एग्जाम देना रहेगा। यानी अगले सेमेस्टर की भी तैयारी, जो सेमेस्टर क्लियर कर रहे हैं उसमें भी एक सब्जेक्ट में अगर हम बाय द वे 25 नहीं 24 नंबर लाए तो हमको इसकी भी तैयारी करनी रहेगी। हम डरा नहीं रहे, हम चीजों को बता रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें ये होती हैं कि जब आपको उसके बारे में फुल नॉलेज होगी तभी आप चीजों को क्या करेंगे, सीरियसली लेंगे। वरना कुछ लोग तो यही सोचते हैं कि अरे पढ़ लेंगे, कौन सा है, जब एग्जाम आएंगे तब पढ़ लेंगे, अभी तो एग्जाम खत्म हुए कल ही अब हम पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और आप ही के लिए ये फायदेमंद है। तो यानी हम यहाँ पे ये बता रहे थे कि आपका ये 50 नंबर का हो जाता है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये आपका 50 नंबर का हो जाता है। इसमें आपको 25 नंबर लाने रहते हैं तब आप सेफ जोन में हो जाते हैं। तो इसमें पढ़ना क्या है आपको भाई, वर्तमान भारतीय समाज में हमें क्या करना है, प्रारंभिक शिक्षा कैसी है उसके बारे में हम जानेंगे, ये चीज हो जाती है। इसमें हम सभी चीजों को कि भाई शिक्षा कैसी है, आप बाल केंद्रित है या शिक्षक केंद्रित है, तो अब शिक्षा कैसी है, तो आप शिक्षा तो आपकी हो जाती है बाल केंद्रित, पहले कैसे शिक्षा थी तो शिक्षक केंद्रित थी। इन्हीं सब चीजों पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, चीजों को सरल भाषा में समझेंगे। उसके बाद आपका सेकेंड हो जाता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसमें भी देखिए आपको कितने नंबर लाने रहेंगे, तो 25 नंबर इसमें भी लाने रहेंगे। यानी कहने का मतलब ये है जितने भी 50 नंबर के आपके सब्जेक्ट हैं उनमें आपको 25 नंबर हर हाल में लाना ही लाना रहता है, ठीक है। अब 25 नंबर वाले में क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं जो आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है, इसमें क्या पढ़ना है, यानी नवीन प्रयास यानी नवाचार लाना, नई शिक्षा जो है उसमें क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें नयापन हो, चीजें सीखने को मिले। तो भाई आपको पता है कि अब शिक्षा कैसी है, तो अब शिक्षा जो है बाल केंद्रित है, उसपे बच्चे को मारने पे डांटने पे इस पे नहीं। पहले क्या होता था, बच्चे को मारा जाता था डांटा जाता था, 10 पेज लिख के लाना, अगर सुले कह दिया तो लिख के बच्चा लेके आता था, ऐसे ही तो था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपको सुलेख नहीं,
वो चीज है कि आपने सीखा कितना है। सुलेख भी कराई जाती है, सुलेख का मतलब सुंदर लेख होती है, तो आपको तो कराना ही कराना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि सिर्फ उसी पे डिपेंड हो जाए, बच्चा रटन पद्धति पे रहे। तो अब जो नवाचार हुआ है, नई नई पद्धतियों को यूज करके, नई नए टीएलएम को यूज करके बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है वो इंटरेस्टिंग शिक्षा दी जा रही है। भाई आप ही है एजुकेशन ले रहे हैं, पता चले कोई आपको पढ़ा रहा है तो सब बोरिंग, मतलब बोरिंग आपको महसूस हो रहा है, अरे हम पढ़ रहे हैं तो बोर हो रहे हैं, तो क्या आप नॉलेज ले पाएंगे, आप ज्ञान ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। जब आपको क्या है मजा भी आता है, चीजें अच्छी भी लगती हैं, ठीक है, ऐसे तो आप चाहे तो किताबों से पढ़ सकते हैं, आपके पास बहुत सारा कलेक्शन होगा, लेकिन आप क्लासेस क्यों ज्वाइन करते हैं, क्यों अटेंड करते हैं? भाई इसीलिए कि हमको क्या कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। तो हर एक इंसान नई चीज की तरफ दौड़ता है और उसमें आप उसको बेनिफिट भी मिलता है। तो यही सब चीजें हम इसलिए पढ़ेंगे कि किस तरह से नई चीजों को अपनाकर जो शिक्षा में नवाचार हुए हैं तो उनको हम बच्चों को, उनको यूज करके बच्चों को हम शिक्षा कैसे देंगे, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाता है 50 नंबर का, इसमें 25 नंबर डाले रहते हैं और 25 नंबर के जितने भी आपके पेपर हो जाते हैं उसमें आपको बता दो। अब हो ही क्या है कि देखिए 15 आपके जो हो जाते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो 15 हो जाते हैं यानी 16-30 वो आपके अति लघु यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, और उसके बाद 31-40 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट यानी लघु टाइप क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरह से आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी किसमें, जो 50 नंबर का जो होता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं विज्ञान, यानी जो आपका तीसरा सब्जेक्ट हो जाता है विज्ञान यानी कि साइंस, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा। इससे क्या है, जो चीजें आपने पढ़ी उससे आगे की चीजों को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो साइंस भी भाई समझने की ही चीज है, ऐसा तो है नहीं कि हवा में उड़ा दिया, जब एग्जाम आने वाले हुए तब हमने उसको पढ़ लिया। तो भाई इसके लिए आप लोगों को क्लास ज्वाइन करनी रहेगी, रोज का रोज पढ़ना रहेगा, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे बूंद बूंद से सागर बन जाएगा, ठीक है। तो जो विज्ञान आपका सब्जेक्ट हो जाता है वो 25 नंबर का, और इसमें आपको कितने लाने हैं, तो 12 नंबर कम से कम जब आप लाएंगे तब आप सेफ जोन में होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका गणित सब्जेक्ट हो जाता है, सेम यही है कि इसमें भी आपको 12 नंबर लाने हैं। क्वेश्चंस कितने रहते हैं, तो 1-5 आपके वस्तुनिष्ठ टाइप, उसके बाद 6-11 आपके अति लघु उत्तरीय टाइप, और उसके बाद 12-18 आपके रहेंगे लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में किया है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है सामाजिक अध्ययन, तो सामाजिक अध्ययन देखिए यहाँ पे आपके 50 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। कितने, तो 50 नंबर में से आपको 25 नंबर लाने हैं, वही प्रक्रिया वही क्वेश्चंस, यानी कि 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 40 क्वेश्चन यानी वेरी शॉर्ट भी करने हैं, शॉर्ट भी करने हैं, और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी करने हैं। उसके बाद आपका हो जाता है हिंदी, तो हिंदी भी आपकी 25 नंबर की रहती है, इसमें भी आपको 12 नंबर लाने रहते हैं, और अंग्रेजी, अब आप कहेंगे मैम अंग्रेजी और अभी तो हम लोग कर रहे थे संस्कृत पढ़ रहे थे और उर्दू पढ़ रहे थे, भाई ऑप्शनल ये दो सब्जेक्ट थे जिसकी मजबूत पकड़ है संस्कृत में थी, मतलब ठीक कहेंगे क्योंकि अभी आपने कंप्लीट किया है, तो जिसकी मजबूत पकड़ संस्कृत में थी तो उन्हें संस्कृत सब्जेक्ट चूज किया, जिनकी मजबूत पकड़ उर्दू में थी उनने क्या किया उर्दू सब्जेक्ट लिया, है ना। उसमें आप लोगों ने एग्जाम भी दिया, आई होप बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा। तो यहाँ पे बात हम ये कर रहे थे कि इंग्लिश, अब आपको क्या करना रहेगा, अब आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़नी रहेगी इंग्लिश, जो कि यानी ऐसा नहीं है कि आप लोग, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें ऑप्शन है आप कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं, इंग्लिश को छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश पढ़नी, यानी जो संस्कृत पढ़ रहे थे उनको भी इंग्लिश पढ़नी है, जो उर्दू पढ़ रहे थे उनको भी इंग्लिश पढ़नी है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैम तो क्या संस्कृत और उर्दू जो है बस एक ही सेमेस्टर में हमको पढ़नी है, अब नहीं पढ़नी है, तो हम इसका आंसर आपको देते हैं, जो आपकी मतलब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है तो उसका आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, चलिए यहाँ देते हैं हम। देखिए आपका जो हो जाता है यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने क्या क्या संस्कृत पढ़ी या उर्दू पढ़ी, अब आपको पढ़ना रहेगा थर्ड सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट, जिसने संस्कृत ले रखी है उसको थर्ड में संस्कृत पढ़नी रहेगी, जिसने उर्दू ले रखी है उसको थर्ड में उर्दू पढ़नी रहेगी, लेकिन इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है
वो क्या है, वो सेकेंड सेमेस्टर में सभी को पढ़ना है और फोर्थ सेमेस्टर में सभी को पढ़ना, वो संस्कृत वाले बच्चे हो या उर्दू वाले बच्चे हो, ठीक है। तो अब आपको क्या पढ़ना रहेगा, अब आपको उर्दू छोड़कर, संस्कृत छोड़कर अब आपको पढ़ना रहेगा इंग्लिश। और इंग्लिश में देखिए चीजों को ध्यान से सुनिए, इंग्लिश में क्या क्या चीजें रहती है, ग्रामर भी आपको पढ़नी रहेगी उसमें। आपको देखिए ग्रामर में हर एक चीज आ जाती है, ठीक है। तो ग्रामर में यानी ए टू जेड चीजें पढ़नी रहेंगी। उसके बाद आपको क्या पढ़ना रहेगा, क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ने रहेंगे, एप्लीकेशन ऐसे सभी चीजें पढ़नी रहेंगी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, मतलब सभी चीजें आती हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा कि नहीं हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है हम कर ले जाएंगे, क्योंकि ग्रामर जो है अगर आपने बारीकी से चीजों को नहीं समझा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे दा का यूज होता है, कहाँ पे एंड का यूज होता है, कहाँ पे ए का यूज होता है, यानी क्या चीजें हैं, बारीकियां होती हैं। डीएलएड में आपने देखा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा, बारीकियां पूछी जाती हैं, है ना। तो बस इंग्लिश में भी उसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे। हमने इतनी डिटेल में इंग्लिश पे इसलिए बात कर ली कि आपकी समझ में आ जाए कि हाँ इंग्लिश हमें पढ़नी है, वो भी डीपली पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों ने क्या क्या होगा कि कुछ लोगों ने काफी टाइम पहले इंग्लिश छोड़ रखी होगी तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसलिए दिक्कत क्यों हो, हम जब तैयारी स्टार्ट करेंगे भाई, जब हम तैयारी करेंगे तो हमारी वो दिक्कत, वो प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग क्लास को ज्वाइन करें, क्लास को रोज पर डे मतलब अटेंड करें। ऐसा नहीं अरे आज का क्लास है कल पढ़ लेंगे, कल का क्लास है अगले दिन पढ़ लेंगे, ये चीज बिल्कुल मत रखिएगा। आप लोग स्टडी को करिएगा, ठीक है, कंटिन्यू। ये भी नहीं मैं कह रही हूँ कि आप चार पांच घंटे आठ घंटे अभी से देने लगो, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी जो सब्जेक्ट की क्लास आए भले वो आधे घंटे की हो तो आप उसको अटेंड जरूर करें। अगर एक घंटे की क्लास है तो उसको अटेंड जरूर करें, क्यों, क्योंकि अभी से अगर आप बूंद बूंद भरेंगे तो वो सागर बन जाएगा, और अगर बूंद बूंद से अगर आप ऐसे ही टाइम निकालते गए तो सागर खाली हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे विराम लेती हूँ और आप लोगों से मैं अगली क्लास में मिलती हूँ, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी जो भी चैप्टर है उस पर हम लोग डिस्कस करने के बाद और आपके जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, रजिस्टर मेंटेन कर लें, रजिस्टर को यानी आपको एक रजिस्टर और पेन तो जरूर रखना है क्योंकि आपको हर एक चीज नोट डाउन करनी है। और मैं ये जरूर कहूंगी कि एक ही रजिस्टर नहीं, हर सब्जेक्ट का एक रजिस्टर आप लोग जरूर बनाएं। इंग्लिश का बहुत जरूरी, मैथ का बहुत जरूरी, साइंस का बहुत जरूरी। आप कहेंगे मैम जरूरी क्या नहीं है, सभी चीजें जरूरी है, सात सब्जेक्ट है, सभी के आप लोग रजिस्टर बनाएं और हैंड राइटिंग नोट्स बनाएं आप लोग, वो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देते हैं, ठीक है। बाकी तो हम आपको फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड भी कराएंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको नोट्स बनाने हैं। कहते नहीं कई इंद्रियां काम करती हैं, जब हम लिखते हैं ना तो माइंड चलता है, आंखें देख रही होती हैं, उंगलियां लिख रही होती हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारी कई इंद्रियां काम कर रही होती हैं, तो चीजें हमको ज्यादा हमारे माइंड में वो चीजें सेट हो जाती है और वो ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है यानी परमानेंट हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए